झारखंड एसएससी, जेएसएससी जितनी भी एग्जाम लेती है, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो, चाहे वो जेपीएससी की एग्जाम हो, चाहे वो जेएसएससी आपकी स्टेनो हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, झारखंड की कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो झारखंड पुलिस की एग्जाम हो जो कि विगत समय में आने वाली है, ऐसे कंडीशन पे आपको किस बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अपनी तैयारी कैसे करनी है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ इन बुक के पब्लिशर से एक रुपए नहीं ले रहा हूँ कि मैं इनका प्रचार कर रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे पास कुछ ऑफलाइन बच्चे आए थे, तो मैं उनको, वो मुझसे पूछ रहे थे सर मैं किस बुक से तैयारी करूँ, क्योंकि टाइम कम है और वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, कोर्स को कंप्लीट करना है, साथ में रिवीजन को भी करना है और मॉक टेस्ट भी देना है, ऐसे कंडीशन पे कम समय में कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने उनको जब बताया तो मेरा दिल करा, क्योंकि आप भी मेरे व्यूअर हो, आप भी मेरी वीडियोस देखते हो, तो आपको भी हेल्प होना चाहिए। अगर आपको इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट्स में भी दिक्कत होगी तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको झारखंड की जो जनरल नॉलेज होती है उसकी तैयारी आप कैसे करें, किस बुक से करें, किस आपको टेक्निक को यूज़ करना है कि आपका एग्ज़ाम एक बार में क्वालिफाई होगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जिस बुक की चर्चा करने जा रहा हूँ, देखिए ये बुक कवर लगा हुआ है, मैं एक स्टूडेंट से लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे स्टूडेंट ने बोला कि सर आप ये बुक मुझे खरीदवाए थे, तो मैं सोचा कि इसी बुक के थ्रू मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे तैयारी करना है, कौन सी बुक लेनी है आपको। ये बुक आपको अगर दिख रहा हो अगर कैमरा में, तो ये अच्छी तरह से दिख रहा होगा, उड़ान की ये बुक है जिसमें लिखा हुआ है झारखंड सार संग्रह। आपको इसका जो वर्जन लेना है ये कौन सा लेना है ये भी बताऊंगा, जो कि करंट वर्जन हो, आप इस बुक को लीजिएगा, उसके बाद आपको ये बुक खरीदनी है साथ में, जो बहुत है आपके लिए। दूसरी बुक ये है, काफ़ी मोटी मोटी बुक है, देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो तो कैमरे में, ये उड़ान की बुक है, इसमें झारखंड वास्तुनिष्ठ है। अब बोलिएगा सर इसमें सार संग्रह और वास्तुनिष्ठ क्यों, अब आपको मैं बताता हूँ। पहले अगर हम झारखंड सार संग्रह ले लिए तो क्या कर सकते हैं, हम इसके पहले टॉपिक को देखेंगे। हम आपके सामने मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि आपकी तैयारी कैसे 100% होगी। आप बोलिएगा भाई साहब सिर्फ बात बोल देते हो, किताब का प्रचार कर रहे हो, ये वो, अरे भैया तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, टीचर हूँ। झारखंड के सामान्य परिचय, झारखंड का सामान्य परिचय, ये टॉपिक दिखा आपको, इस टॉपिक को आपने इस बुक से पढ़ लिया, ये 2 पेज का टॉपिक है, टॉपिक आपने पढ़ लिया, आप क्या कीजिएगा इस बुक को मोड़ के शाम तक आप इसको रख दिए। आप बोलिएगा रात में ये वास्तुनिष्ठ को उठाना है आपको, इस किताब को। अब इसमें इसी टॉपिक का आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ मिल रहा होगा आपको, झारखंड का मिला आपको लिखा हुआ दिख रहा है, जी हाँ, झारखंड का सामान्य परिचय। अब इसमें क्वेश्चन है जो आप पढ़े, वो सारा क्वेश्चन है जो कि ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन जो होता है आपका एग्जाम में आता है, ये आपका ऑफलाइन मॉक टेस्ट होगा। और ये मॉक टेस्ट आपको इतना हेल्प करेगा, एक टॉपिक को पढ़े शाम में उसका मॉक टेस्ट दिए, कभी नहीं भूलिएगा, माइंड से इरेज ही नहीं होगा, ये टेक्निक है। हम लोग करते क्या है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ लिए, उसके बाद में गए मॉक टेस्ट मारने, अरे भैया कहाँ पढ़े थे, पहला टॉपिक क्या भूल गए, एक ईस्वी भूल गए, एक डेट भूल गए, हम एक अगर संविधान का कोई नियम भूल गए जो कि झारखंड में बना है, हम सब भूल जाएंगे, क्यों, हमने उस वक्त उस टॉपिक का कोई भी प्रैक्टिस नहीं किया था, हमें टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते गए, खिचड़ी बन गया माथा में, और बाद में जब मॉक टेस्ट देने गए तो वो भी खिचड़ी बन गया, क्योंकि हर टॉपिक का मिला हुआ आपको क्वेश्चन मिला। ऐसे कंडीशन पर क्या करना पड़ेगा आपको, जब यहाँ पर एक टॉपिक को पढ़े उसी टॉपिक का मॉक टेस्ट देंगे तो वो टॉपिक कभी माइंड से इरेज नहीं होगा, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे फिर उसका मॉक टेस्ट देंगे, ऐसे करते करते हर टॉपिक का अपना एक मॉक टेस्ट होगा। और ऐसे कंडीशन पे जब आप बड़ा मॉक टेस्ट जब दोगे, मिक्स्ड मॉक टेस्ट दोगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है, लिख लीजिए कहीं पे आप इसको अपने कॉपी या किताब में, ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दावा है। मैं कई बच्चों को इसके थ्रू मैं एग्जाम पास करवाया चुका हूं, आपको भी मैं बोल रहा हूं ये टेक्निक अपनाने, क्योंकि आप भी लगे हुए हैं बहुत सालों से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका अगर नहीं क्वालिफाई होता अगर रिटन एग्जाम, तो ये तरीका है आपका एग्जाम निकालने के लिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको और भी कोई समस्या है तो। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, जुड़े नहीं हैं, तो भी जरूर जुड़ जाइए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। हमने अभी एक फिलहाल में वीडियो बनाई है जो कि आप आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हैं, या जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, जहां पे आप झारखंड की दौड़ को कैसे क्वालिफाई करें जिसका वीडियो बना चुका हूं। अगर आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस आइकन पर क्लिक करें, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस आइकन पर क्लिक करें। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, जोहार।